डाल के खराब होती है। और ये वेल्डिंग वाले उस्ताद के पास हम आ चुके हैं, ये फ्रेम बन रहा है माशाल्लाह से, बाकी जाके फिर आपको मुकम्मल वीडियो में पता चल जाएगा कि कैसा फ्रेम बनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, जी कोशिश तो मैंने की है कि कम से कम वज़न में बन जाए, क्योंकि लॉक्स के लिए इतनी वजनी चीज़ बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ना उनका कोई बोझ होता है ना इतना वज़न होता है, बस ये होता है कि उनको छांव चाहिए होती है और बारिश से बचने के लिए। तो इस तरह का जो कम से कम साइज़ का फ्रेम हो, इससे आपका ख़र्चा भी कम आता है और आपको मुकम्मल सुकून से अपने डॉग्स को रखने के लिए जगह मिलता है। ये देख रहे हैं आप, ये वाली जाली भी इसके अंदर इस्तेमाल होगी, अभी मैं ले के आ गया हूँ घर में, मेरे पास पड़ी थी डॉग। असल सारी गेम जो है वो इस फ्रेम में है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। फ्रेंड्स, हमारा फ्रेम बन चुका है और हमें उसके लिए चाहिए लकड़ी के फट्टे, क्योंकि फ्रेम जो हमारा बना है वो लोहे का बना हुआ है और लोहे के फ्रेम के ऊपर ये लकड़ी के फट्टे लगेंगे जो कि हम अभी लेने आए हैं। और ये रहा हमारे कैनल का फाइनल सेटअप जो कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये कूलिंग सिस्टम और ये इनका फ्रेम जिसके ऊपर छत बनी है छोटे बच्चों के लिए अलग से दरवाज़ा।